जय सियाराम, जय महाकाल। पहली बात तो आज 20 किलोमीटर रास्ता भटक गया हूँ मैं, गांव-गांव घूमा हूँ। अब हमें नहीं पता था मकसद क्या थी गांव घूमने की। आया हुजूर चल के 20 किलोमीटर ज्यादा चल गया आज। तो गांव आया, चौधरी सब चौधरी हैं समाज, उन्होंने रोक लिया, चाय पिलाए, बोला कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया भाई फला फला जगह से आ रहा हूँ, यहाँ जाना है, दर्शन करना है। बोले कोई बात नहीं, आप जाओ, आपको ना नहीं बोलने आए हो तो एक दर्शन करके जाओ मंदिर का, महादेव जी का है, भुवनेश्वर का मंदिर है, कई हजारों साल पुराने मंदिर है। डर लगेगा भाई, अनजान है, फिर भी मैंने बोला चलो, मन में कुछ आया ही नहीं, शंका हुआ ही नहीं कुछ, भगवान का नाम है तो चल दिया। अपने रोड से 3 किलोमीटर अंदर हुआ, समझे 2 किलोमीटर। अब क्या आदि बता सकते हैं, बोल रहे कि कई हजारों साल पुराना मंदिर है, पानी कहाँ जाता है किसी को कोई पता नहीं, जितना तुम पिला सको पिलाओ। यहाँ पे एक ऋषि मुनि जी भी है, उनसे भी मुलाकात होगा। चलिए, राम मंदिर किसी नदी के किनारे बसा हुआ है, मंदिर तो पुराना लग रहा है। देश के उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर दंगवाड़ा में स्थित है भुवनेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ के लोग बताते हैं कि महादेव का ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि खुद से उत्पन्न हुआ है, जो कि 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। माना जाता है इस मंदिर के दर्शन मात्र से आपके सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे हो जाते हैं। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये मंदिर एकदम कर्क रेखा के ऊपर स्थापित है। और दोस्तों, दंगवाड़ा वही जगह है जहां से 5000 साल पुराने सिक्के और मणियां प्राप्त हुई थी। यहां पर स्थापित शिवलिंग की सबसे खास बात है कि जो भी सिक्के इस पर चढ़ाए जाते हैं वो अपने आप चंबल नदी पर पहुंच जाते हैं। पर यह चमत्कार कैसे होता है यह कोई नहीं जानता दोस्तों। अगर आप कभी भी उज्जैन जाओ तो मंदिर के दर्शन जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर देना। हर हर महादेव।